देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के खेल जगत की खास खबरों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खास खबरों पर। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 49 रनों से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच मैच में बांग्लादेश को दूसरा झटका, तमीम इकबाल आउट। ऑस्ट्रेलिया कोच का दावा, दुनिया को मिल गया है नया धोनी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के फील्डर सबसे सुस्त, भारत के बिल्कुल चुस्त। अफगान कप्तान ने बांग्लादेश को चेताया, हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी लेके डूबेंगे। वर्ल्ड कप के बाद T20 इंटरनेशनल और 3 मैचों के वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे कोहली बुमराह, BCCI ने दिया आराम। शमी बोले, बुमराह ने मुझे प्लान आजमाने के लिए काफी रन दे दिए थे। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने कहा, पाकिस्तान से हारना शर्मनाक। अर्जेंटीना ने कतर को 2-0 से हराया, टूर्नामेंट में पहली बार टीम मैनेजर को दिखाया गया येलो कार्ड। चेतन शर्मा ने कहा, हैट्रिक लेना आसान नहीं, वरना रिकॉर्ड को दोहराने में 32 साल नहीं लगते। खेल जगत की खास खबरों में आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।